390 का जो फील है वही मुझे आ रहा है, ऐसे कुछ लग नहीं रहा है। जो 390 एडवेंचर एक्स चला रहा हूँ मैं, जो नॉर्मल 390 एडवेंचर एडिशन है वैसे ही लग रहा है। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइडर प्रसाद। सो कैसे हो आप सब? होप आप सब बढ़िया रहेंगे बिल्कुल मेरी तरह। सो अगर आप कोई ऐसा बाइक ढूंढ रहे हो जो 390 सीसी इंजन का हो, जिसमें अच्छी खासी पावर हो ऑफ रोडिंग करने के लिए और जिसमें ज़्यादा कुछ सेंसर का तामझाम ना हो, तो आपके लिए 390 एडवेंचर एक्स एक अच्छा पैकेज है। आप इस बाइक को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। आज हम इस वीडियो में इस बाइक में जो मेजर चेंजेस किए गए हैं वर्सेस टू KTM 390 एडवेंचर एडिशन और KTM 390 एडवेंचर रैली एडिशन। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स डू द वॉक अराउंड ऑफ दिस ब्यूटीफुल बाइक। सो प्राइसिंग की बात करें तो ये बाइक आपको 2,90,000 एक शोरूम मुंबई मिल जाती है। इस बाइक में आपको दो कलर ऑप्शन अवेलेबल है, डार्क गैल्वेनो ब्लैक एंड एथलेटिक ब्लू। अभी हफ्ते हमने जो है ये डार्क गैल्वेनो ब्लैक है, जो पर्सनली मेरा काफ़ी फेवरेट कलर है, क्योंकि पूरा ऐसा ब्लैकिश कलर में बाइक आपको मिल जाता है। स्टार्टिंग में जो फ्रंट में आपको मिल जाता है WP Apex का 43mm अपसाइड डाउन फोर्क्स। ऑन द फ्रंट यू गेट अ 19-inch अलॉय व्हील्स, द टायर आर फ्रॉम MRF एंड द सेक्शन ऑफ द टायर इज 100x90 सेक्शन के टायर आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। ऑन द फ्रंट यू गेट अ ब्यूटीफुल LED हेडलाइट, द इंडिकेटर्स आर अगेन LED। आपको यहाँ पे एडजस्टेबल वाइजर मिल जाता है कंपनी फिटेड। ऑन द अदर साइड विल गेट अ 320mm डिस्क विथ बाइब्रेक कैलिपर्स, मीन्स बाय ब्रेम्बो। एज अ कंपनी स्टैंडर्ड इन दिस बाइक आपको मिल जाता है ड्यूअल चैनल ABS। इट्स ए स्विचेबल ABS, आप पीछे के ABS को ऑफ कर सकते हो। इंजन को ठंडा रखने के लिए यहाँ पे आपको रेडिएटर ग्रिल दिया गया है, उसमें आपको दो फैंस मिल जाते हैं। बाइक का जो व्हील बेस है वो 1450mm है, बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस वो 200mm एंड बाइक का जो सीट हाइट है वो 800mm है। सो अगर आप इवन 5'5" भी हो तो आप इजीली इस बाइक को मनोर कर सकते हो। इस बाइक में आपको 6-speed गियरबॉक्स मिल जाता है। सो अगर आप इस बाइक से गिर जाते हो तो आपको यहाँ पे फोल्डेबल गियर लीवर मिल जाता है और ये जो फुटपैक है ये भी फोल्डेबल है। इस बाइक में आपको सिर्फ साइड स्टैंड मिल जाता है, कोई सेंटर स्टैंड देखने को नहीं मिलता। टीथन ओपन चेन सिस्टम, तो आपको हर 500 किलोमीटर के बीच बाइक को पैडॉक पे लगा के चेन को क्लीन करके लूप करना होगा। इस बाइक में आप सेंटर स्टैंड भी लगा सकते हो आफ्टर मार्केट। ऑन द रियर यू विल गेट अ WP Apex मोनोशॉक एब्जॉर्वर, इट इज़ 10-step मोनोशॉक एब्जॉर्वर। इसमें आपको प्रीलोड और रिबॉन्ड का एडजस्टमेंट नहीं मिलता, उसके लिए आपको रैली वर्जन लेना पड़ेगा, उसमें पूरा एडजस्टमेंट आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको ब्यूटीफुल सा एल्यूमिनियम स्विंग आर्म मिल जाता है। ऑन द रियर यू गेट अ ब्यूटीफुल ग्रैब हैंडल। टॉकिंग अबाउट द रियर पोर्शन, यहाँ पे आपको ब्यूटीफुल सा LED टेल लाइट, द इंडिकेटर्स आर अगेन LED। बात करते हैं रियर टायर की। ऑन द रियर यू गेट अ 17-inch अलॉय व्हील एंड द सेक्शन ऑफ द टायर इज 100x80 सेक्शन के आपको इसमें MRF के टायर मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको 230mm का डिस्क मिल जाता है एंड द ब्रेक्स आर अगेन फ्रॉम बाइब्रे। ये एक ब्यूटीफुल सा एग्जॉस्ट यहाँ पे मिल जाता है आपको, इसका मैं साउंड आपको सुनाता हूँ अभी थोड़ी देर में। चलते हैं बाइक के इंजन की तरफ। तो इस बाइक में आपको 373.5cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल DOHC इंजन मिल जाता है, जो 43.5 PS पावर एंड 37 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। बाइक का जो वेट है वो 170 kgs है एंड द पावर टू वेट रेशियो इज डिसेंट ऑन दिस बाइक। बात करते हैं सीट कुशनिंग की, तो इस बाइक की जो सीट कुशनिंग है वो मिड साइड पे है, ज़्यादा सॉफ्ट और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। इस बाइक में आपको 14.5 liters का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाता है। इस बाइक की जो प्राइसिंग है वो ऑलमोस्ट 1.5 lakh rupees लेस है KTM 390 स्टैंडर्ड और रैली एडिशन से, क्योंकि इस बाइक में आपको क्विक शिफ्टर नहीं मिलता और यहाँ पे आपको एडजस्टेबल लीवर्स नहीं दिए गए, नॉर्मल लीवर्स दिए गए हैं। साथ ही इसमें आपको जो मीटर दिया गया है वो ड्यूक 250 में यूज़ करते हैं, वही मीटर आपको इसमें मिल जाता है। चलते हैंडल बार की तरफ। तो हैंडल बार की जो स्विचेस क्वालिटी है काफ़ी प्रीमियम है। यहाँ पे आपको इंजन किल स्विच, इंजन स्टार्ट बटन,
यहाँ पे हाई बीम लो बीम पास स्विच लेफ्ट एंड राइट इंडिकेटर एंड हॉर्न। तो यहाँ पे आपको जो टॉगल स्विच है वो मिसिंग है क्योंकि इस बाइक में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी कम है। सो यहाँ पे टॉगल स्विच नहीं दिया गया है जैसे अपने 390 स्टैंडर्ड एडिशन और रैली एडिशन में आता है। बढ़ते इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ, तो जैसे ही की को ऑन करते हैं यहाँ पे ऐसा फुल स्वाइप होता है। तो यहाँ पे आपको क्लॉक दिया गया है, आरपीएम मीटर दिया गया है, स्पीडोमीटर, यहाँ पे गियर पोजीशन इंडिकेटर और यहाँ पे ट्रिप वन ट्रिप टू इन्फो साइड स्टैंड डाउन किल स्विच ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाते हैं। इंजन चेकलाइट बटन, एबीएस का सेंसर और ऑयल इंडिकेटर और यहाँ पे हाई बीम लो बीम और उसके नीचे वार्निंग का सिंबल है। ये जो है ये जीपीएस माउंट के लिए दिया गया है, यहाँ पे इसको निकाल के आप इस पर जीपीएस माउंट इंस्टॉल कर सकते हो। और ये जो विंडशील्ड है ये एडजस्टेबल विंडशील्ड है। सो गाइस अभी करेंगे बाइक का राइड रिव्यू। सो हियर इज़ द की और अभी हम लोग चलाएंगे बाइक को। ओ बाइक का एग्जॉस्ट तो काफ़ी अच्छा है। वाओ कूल यार, मतलब इसका एडवेंचर का जो सस्पेंशन है काफ़ी तगड़ा है। तो फर्स्ट एंड फर्स्ट जैसे मैं अभी बाइक चला रहा हूँ बाइक सेम जो 390 का जो फील है वही मुझे आ रहा है। ऐसे कुछ लग नहीं रहा है जो 390 एडवेंचर एक्स चला रहा हूँ मैं, जो नॉर्मल 390 एडवेंचर एडिशन है वैसे ही लग रहा है। तो बाइक का जो सस्पेंशन सेटअप है वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है। मुझे थोड़ा सा ऐसा फील नहीं हो रहा है करके कि कोई मैं ऐसा अलग बाइक चला रहा हूँ। और अभी जो ये टेस्ट राइड मॉडल है तो यहाँ पे मुझे स्पीडोमीटर पे कोई स्पीड दिख नहीं रहा है, तो मैं ऐसे ही ब्रेकिंग टेस्ट कर लेता हूँ रैंडमली। तो थोड़ा सा स्पीड अप करता हूँ और मैं अप्लाई करता हूँ फ्रंट ब्रेक। वाह फ्रंट ब्रेक का बाइट तो काफ़ी ज़्यादा है। वैसे हम लोग अभी रियर ब्रेक को भी टेस्ट कर लेंगे। तो पीछे कोई नहीं है, अभी मैं रियर ब्रेक प्रेस करता हूँ। ओके तो रियर ब्रेक तो प्रोग्रेसिव है लेकिन फ्रंट ब्रेक का जो बाइट है वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो ये जो बाइक है इसका सीट कुशनिंग भी मिड साइड पे है और ऐसे कुछ लग नहीं रहा है कि सीट ज़्यादा हार्ड है। यहाँ पे एक टर्निंग रेडियस टेस्ट भी कर लेंगे बाइक का, तो एग्जैक्ट पता चलेगा बाइक इजीली घूम पाती है या नहीं। वाओ गाइस इसका टर्निंग रेडियस काफ़ी अच्छा है। एंड वन थिंग आई एम नोटिसिंग इज अबाउट द गियर शिफ्टिंग, गियर शिफ्टिंग एकदम फ्लिकेबल है तो गियर ईजिली शिफ्ट हो जाता है, आपको कुछ ऐसे प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं है। देख ही सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा ट्रैफिक है और ट्रैफिक में भी बाइक ईजिली मनोवर हो जाता है। ऑल्दो दिस इज़ अ बिग बाइक, मतलब हाइट में काफ़ी ज़्यादा है। सो थैंक्स टू KTM उल्लासनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी सच अ ब्यूटीफुल बाइक। तो हम लोग चलते हैं अभी अंदर की तरफ। सो गाइस ये रहा अपना KTM उल्लासनगर का शोरूम एंड थैंक्स टू भाई जिन्होंने हम लोग को बाइक प्रोवाइड किया है। भाई आपका नाम? मुकेश। एंड ये मनीष। थैंक्स भाई, काफ़ी हेल्पफुल है दोनों भी। आपको अगर कोई भी बाइक परचेज करना रहेगा हस्वर्णा या फिर KTM रिलेटेड तो इन दोनों से कांटेक्ट करना। यहाँ पे इनका जो शोरूम का एड्रेस है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो।
सो गाइस, होप करता हूँ आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को कर देना लाइक, मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब। टिल देन, राइड सेफ, बी सेफ, बाय गाइस।